चतरा जिले में जागरण के नाम पर बार बालाओं का डर्टी डांस देखने को मिला है। भक्ति जागरण के मंच से खुलेआम बार बालाएं जमकर ठुमके लगाती रहीं और लोग उस पर नोटों की बारिश करते रहे। अब बिना अनुमति जागरण आयोजित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला इटखोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पितिज गाँव का है, जहाँ सरकारी रोक के बावजूद पूजा समिति के सदस्यों ने बिना अनुमति के इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिसमें भक्ति जागरण मंच से खुलेआम बार बालाएं ठुमके लगाती रही, अश्लील गीतों पर नाच रही बार बालाओं के ऊपर जमकर नोट भी उड़ाए गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि कई युवकों के बीच मारपीट भी हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। ग्रामीणों ने जताया विरोध। जी हां, स्थानीय लोगों के मुताबिक धार्मिक कथा वाचन के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे सुनने हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे, लेकिन बाद में इसमें बार बालाओं को बुला लिया गया। ग्रामीणों के विरोध के बाद मारपीट की घटना शुरू हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया है। पुलिस पर उठे सवाल, पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों के मुताबिक इटखोरी पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही, जिस वजह से ये पूरा मामला बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।